वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं करने वाला हूँ पोकेमोन के वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ड्राइंग कंपटीशन, और ये ड्राइंग कंपटीशन के साथ साथ होगा बिल्ड बैटल। और यहाँ पे हमें कोई भी पोकेमोन का ड्राइंग बनाकर आगे चिपकाना होता है, और बनाया गया जो भी ड्राइंग है वो 3D स्टैचू की हेल्प से आगे क्रिएट हो जाएगा। और ये वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, और हम दोनों के ड्राइंग को रेट आप खुद कर सकते हैं। और जिसका भी ड्राइंग किया गया पोकेमोन आपको पसंद आया उसे आप कमेंट में मार्क देना मत भूलना। और लास्ट में हम करने वाले पोकेमोन का बैटल, और देखते हैं लास्ट तक कौन जीतता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हे गाइस वेलकम बैक, और गाइस मैं हूं आपका दोस्त टेक्नोब्रिट, और आपको बताया ये चैलेंज होने वाला है पोकेमोन का ड्राइंग कॉम्पिटिशन। और ये वाले पोकेमोन कॉम्पिटिशन में बस दो ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नंबर वन में आता है अपना एस कैचम, एंड दूसरा आता है मैं मतलब होय रीजन की मैं नहीं यार, मैं मतलब टेक्नोब्रिट। और हम दोनों के बीच ये चैलेंज होने वाला है, और पता नहीं यार किसका ड्रॉइंग सबसे बेस्ट होगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना एस का ड्रॉइंग अच्छा है या फिर मेरा। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं, और एस कैचम जल्दी से जाओ और अपनी ड्रॉइंग को स्टार्ट करो। और पता नहीं गाइस एस ड्रॉइंग कर पाएगा नहीं, चलो कोई नहीं यार, और बस यार मुझे इससे अच्छा ड्रॉइंग करना होगा। और हाँ, इस गेम में एक नया सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि मैं बस एस कैचम के पकड़े गए पोकेमोन को ही ड्रॉ कर सकता हूँ, और अगर मैं दूसरे पोकेमोन को ड्रॉ करूंगा तो मैं जल्दी से एलिमिनेट हो जाऊंगा। और है ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक चैलेंज, चलो कोई नहीं यार। और हाँ, बैटल में और गेम इजीली जीतने के लिए मुझे उसका फर्स्ट पोकेमोन को ड्रॉ करना चाहिए। और आप पिकाचू का चेहरा कैसे दिखता है यू मुझे ज्यादातर याद नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने पिकाचू को देखा ही नहीं। और आप पोकेमोन को बिना देखे ड्रॉ करना कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है, लेकिन चलो कोई नहीं मैं इसे ट्राई करूंगा। ओके, और ये रहे पिकाचू के दो कान, और इसका चेहरा गोल टाइप का होता है तो ये चेहरा ठीक होगा। ओके, और इसके दो छोटे छोटे पेड़ भी बन चुका है, और फाइनली पिकाचू का पूंछ बन चुका है, और अपने कलर के नमक मिर्च लगाने के बाद फाइनली बन चुका है अपना पिकाचू। ऐसा मत करो मेरी जान। और हाँ, मैंने कुछ ज्यादा ही मेहनत करके पिकाचू बनाया, चलो देखते हैं पिकाचू स्पॉन होता है नहीं, और बस अपने पोकेमोन के मोड को ड्राइंग समझ में आ जाए। और फाइनल गाइस पिकाचू का 3D मॉडल है पे स्पॉन हो चुका है, और सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है, और अच्छा हुआ इसको ड्राइंग समझ में आ गया। और सच में गाइस ये पिकाचू पूरा सेम टू सेम अपने मॉडल की तरह दिख रहा है, और मुझे तो अपना ड्राइंग वाला पिकाचू कुछ ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस चलो देखते हैं यार एश ने अपना कौन सा पोकेमोन बनाया, और ये है लैप्रस पोकेमोन। अरे यार इसे तो मैं ही बनने वाला था, लेकिन चलो कोई नहीं यार। और देखते हैं एश ने अपने ड्रॉ कुछ ज्यादा ही सही बनाया यार, पूरा दिखा है। और ये सब आप कमेंट में रेट कर सकते हो, और देखते हैं एश को मेरा ड्रॉइंग कैसा लगेगा। ये क्या हो रहा है यार, ये हंस क्यों रहा है भाई, तेरे पोकेमोन को देख के बनाया है, पता नहीं यार लोग अपने पोकेमोन को देख के ज्यादा हंसते क्यों है। ओके गाइस एश निकल चुका है अपने नेक्स्ट पोकेमोन को बनाने के लिए, और गाइस चलो देखते हैं मुझे नेक्स्ट पोकेमोन क्या बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद से मुझे सिंड्रेस या फिर लुकाय बनाना चाहिए, लेकिन वो मेरे लिए काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और गाइस एश का सबसे बेस्ट पोकेमोन उसका गेंगार पोकेमोन भी है, और गाइस पता नहीं है एश का गेंगार कौन से कलर का है, लेकिन इस बार मैं पर्पल कलर का गेंगार बनाऊंगा। ओके, और ये बन चुका है उसकी सबसे बड़ी बॉडी, और ये रहे गेंगार के छोटे छोटे पैर, और आखिर में मैंने इसके दो हाथ बना लिया है। फाइनली गेंगार बन चुका है, बस मुझे थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करना होगा, एंड फाइनली गाइस बन चुका है अपना गेंगार पोकेमोन। और हाँ, सबसे अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे थोड़ा सा मार्क दे देना। और फाइनली जाके गेंगार पोकेमोन का ये वाला मॉडल तैयार हो चुका है, और सच में दिखने में काफी ज्यादा खतरा दिखता है, और हूबहू डायरेक्टली मेरा ड्रॉइंग की तरह दिख रहा है। और देखते हैं एश ने इस बार कौन से पोकेमोन को, ओके ये है विपिन बेल, और ये अपने विक्ट्री बेल का छोटा रूप है। और चलो देखते हैं एश का इस बार ड्रॉ कैसा है के, और ये है विक्ट्री बेल का ड्रॉ, हाँ दिखने में थोड़ा सा सही दिख रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे वाला ड्राइंग एश के ड्राइंग सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है। ओके, एश भी जा चुका है अपने पोकेमोन को ड्रॉ करने के लिए, और चलो सोचते यार इस बार मैं कौन से पोकेमोन को ड्रॉ करने वाला हूँ। और कई घंटे सोचने के बाद फाइनली मैं एश के सबसे तीसरे नंबर वाले पोकेमोन को ड्रॉ करने लगा, शायद से ये होगा एश का चौथा पोकेमोन, क्योंकि नंबर वन में आता है अपना पिकाचू, दूसरे में आता है कैटरपी, तीसरे में आता है अपना, और हाँ तीसरे नंबर वाले पोकेमोन का नाम कमेंट में लिख देना। ओके, बल्बासुर का पौधा बन चुका है, और ये रहा उसकी बॉडी, और ये रहे उसके दो पैर, और गाइस फाइनली ये बन चुका है अपना बल्बासुर पोकेमोन। और गाइस लगता है कि इस बार का बल्बासुर का ड्राइंग मेरा सबसे बेस्ट ड्राइंग में से एक है। ओके गाइस ये बन चुका है अपने बल्बासुर का सबसे बेस्ट खतरनाक मॉडल, लगता है कि गाइस इस बार मैंने काफी ज्यादा डिटेलिंग करके बनाया। और चलो देखते हैं इस बार इसने कौन सा पोकेमोन, ओके ये तो है गोलबैट, और ये गोलबैट का विकसित रूप है, पता नहीं इसका नाम क्या है। और चलो देखते हैं ड्राइंग के, काफी ज्यादा सही किया है, मतलब ठीक ठाक ही ड्राइंग है, लेकिन एक सेकेंड यार पता नहीं मुझे ड्राइंग देखने के बाद हंसी क्यों आ रही है। मुझे लगता है कि पोकेमोन बनाते वक्त इसने नए वाले पोकेमोन को भी खोज निकाला, और मुझे लगता है कि इस बार का ड्राइंग मेरा ही सही था। और चलो यार नेक्स्ट वाले पोकेमोन को ड्रॉ किया जाए कि, और मैं सोचने आया हूं कि नेक्स्ट पोकेमोन क्या बनाऊं। और हाँ मेरे पास कई सारे नए आइडिया है, क्योंकि एश के पास बहुत सारे कम पोकेमोन है। ओके, मेरे पास न्यू पोकेमोन का आइडिया आ चुका है, सोच रहा हूं कि मैं वो पोकेमोन बनाऊं जिसकी वजह से एश अपना पहला लीग जीता था। ओके गाइस, और ये पोकेमोन का नाम आप हमें कमेंट कर देना। ओके, और ये रहा इस पोकेमोन की बॉडी, और ये बॉक्स वाली चीज इस पोकेमोन का सिर है, और ये है उस पोकेमोन के दो हाथ, और गाइस फाइनली बन चुका है मेरा पोकेमोन। और
ना इसका एक लाल कलर का पुश भी बनाना बाकी है एंड डन। और गाइस ये बन चुका है अपना मिल्टन पोकेमोन। और चलो देखते हैं यार कि अपने मोड को पता लगता है कि ये कौन सा पोकेमोन है और खासकर अपने पोकेमोन का मॉडल जल्दी से आ जाए। और गाइस ये है अपना मिल्टन पोकेमोन और हां दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है। ओके गाइस चलो देखते हैं इस बार ऐश ने कौन सा पोकेमोन बनाया। और गाइस ऐश ने बनाया अपना मैग्नेमाइट पोकेमोन और हां का पोकेमोन मेरे पोकेमोन से काफी ज्यादा कमजोर है। चलो जल्दी से जाके देखते हैं ऐश का ड्राइंग कैसे बनाए। ओके और ऐश का ड्राइंग भी काफी ज्यादा सही है और आप कमेंट करके बताना किसका ड्राइंग सबसे बेस्ट था। और मुझे देखना था कि क्या इसमें मैंने जो पूछ बनाया इसमें है या नहीं। ओके और ये वायर वाला पूछ यहां पर चलो गाइस बनाते हैं हमारे नेक्स्ट पोकेमोन की ड्राइंग को। ओके गाइस इस बार ऐश भी लग चुका है अपने न्यू वाले ड्राइंग को बनाने के लिए और पता नहीं इस बार मैं कौन सा पोकेमोन बनाऊं। और कई टाइम ऐसे सोचने के बाद मुझे याद आया कि ऐश ने एक ही पोकेमोन के सारे झुंड को एक साथ पकड़ा था और हां वो पोकेमोन ने अपना टॉरस पोकेमोन। और इतना तो पता है टॉरस के पास बस तीन ही पूंछ होते हैं। ओके और ये बन चुका है उस टॉरस पोकेमोन का फेस, शायद से ये से दिखता होगा। और ये है उस पोकेमोन की सबसे खतरनाक बॉडी। अरे यार ये डिस्टर्ब करने क्यों आ गया। ओके गाइस और ये बन चुका है टॉरस पोकेमोन के चार पैर और ये बन चुका है टॉरस पोकेमोन के लास्ट के तीन पूंछ। और सच में मुझे टॉरस पोकेमोन को देखकर बस इतना ही याद है। ओके और फाइनली गाइस बन चुका है मेरा टॉरस पोकेमोन। और गाइस कमेंट कर देना क्या ये टॉरस के जैसा दिखता है नहीं। और चलो देखते हैं क्या मोड को इसके बारे में पता लगता है नहीं। ओके गाइस और ये रहा टॉरस पोकेमोन का 3D मॉडल और पता नहीं गाइस इस बार ड्राइंग ठीक से बनाया नहीं। और चलो देखते हैं इस बार ऐश ने। ओके ये है सोल गैलियो का छोटा रूप और ये पोकेमोन का नाम कॉस्मियम है जो ऐश के पास था। और इसका ड्राइंग तो सनफ्लावर की तरह दिखता है और फिर भी ये सही दिख रहा है। और चलो यार बनाते हैं हमारे लास्ट पोकेमोन की ड्राइंग को। और गाइस मेरे दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान है, इस बार मैं काफी खतरनाक पोकेमोन बनाने वाला हूँ। और आपको पता है ऐश के पास सबसे ज्यादा खतरनाक पोकेमोन है लेकिन ये पोकेमोन उसके सबसे पावरफुल पोकेमोन में से एक है। और ये बन चुका है उस पोकेमोन की पूरी बॉडी और ये बन चुका है उस पोकेमोन का पूंछ। और ये पोकेमोन को देखकर आपको लग रहा है कि मैं बना रहा हूँ लेकिन ये वाला पोकेमोन सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड फाइनली ये बन चुका है उस पोकेमोन के विंग्स। आखिरकार मैंने ड्रैगनाइट की ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया। ओके गाइस और ये रहा ड्रैगनाइट पोकेमोन का 3D मॉडल और अब मेरा ड्राइंग का स्किल काफी ज्यादा चेंजेस आ चुका है। ओके और ऐश ने बनाया वोल्टेड पोकेमोन को और ये पोकेमोन की ड्राइंग काफी ज्यादा इजी है। और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारे लास्ट वाले बैटल में। और गाइस ये वाला मैच तो ड्रॉ हो गया और पता नहीं गाइस लास्ट का विनर कौन है। और लास्ट के विनर को खोजने के लिए मैं आपके ऊपर रखता हूँ और जल्दी से कमेंट करो यार किसका ड्रॉइंग सबसे बेस्ट था। और गाइस चलो मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।